नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हाजिर हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों पर मेहरबान हो गई है। क्या खबर आने वाली है, पूरी जानकारी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल में रिटायर IAS राम सुभग का कार्यकाल बढ़ाया। प्रिंसिपल एडवाइजर टू CM पद पर 31 जुलाई 2025 तक सेवाएं देंगे। किरण शर्मा को भी रिअंगेज किया। हिमाचल सरकार ने 1987 बैच के रिटायर IAS प्रिंसिपल एडवाइजर टू CM एवं पूर्व मुख्य सचिव राम सुभग सिंह के कार्यकाल को एक साल के लिए पुनः आगे बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर बुधवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आदेश जारी कर दिए। वहीं सरकार ने अवर सचिव टू CM किरण शर्मा को भी 6 माह के लिए रिअंगेज किया है। राम सुभग सिंह 31 जुलाई 2023 को रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने 31 जुलाई 2024 तक उनकी सेवा बढ़ा दी थी और अपना प्रिंसिपल एडवाइजर लगाया। आज दोबारा उन्हें एक साल के लिए यानी 31 जुलाई 2025 तक कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें, राम सुभग सिंह को दूसरी बार सेवाकाल आगे बढ़ाया गया है। इसके बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि पूर्व जयराम सरकार के दौरान विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने राम सुभग सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। दूसरी तरफ हिमाचल में 10 लाख से ज़्यादा बेरोजगार हैं। वहां पर चहेते रिटायरों को बार बार एक्सटेंशन और रीएम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री सुक्खू के करीबी एवं हिमोर्जा के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी OSD नरेश कुमार शर्मा को भी एक साल की एक्सटेंशन दी गई। इससे बेरोजगारों में भी सरकार के प्रति रोष पनपता जा रहा है। पूर्व जयराम सरकार ने भी चहेते अधिकारियों को एक्सटेंशन और रीएम्प्लॉयमेंट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि तब कांग्रेस सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रही बेरोजगारों से धोखा बताती रही। तो कुल मिलाकर यह रही बड़ी खबर कि हिमाचल सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों में खूब मेहरबान दिखती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण बेरोजगारों में भारी रोष पनपता जा रहा है। तो अभी के लिए यह रही बड़ी खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।